बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हमने FER2 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पास करवाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो शुरू करना है, और टॉपिक का नाम है कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन के टॉपिक को समझने के लिए जो हम पर IFRS या IAS अप्लाई होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है वो IFRS 10 आता है, जिसको हम कहते ही क्या है, कंसोलिडेशन। उसके बाद कंसोलिडेशन में एप्लीकेशन आती है किस चीज की बेटा, IFRS 3 की। और IFRS 3 का नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या नाम है? बिजनेस कॉम्बिनेशन। और ये लफ्ज बिजनेस कॉम्बिनेशन हमने अगर पहले कहीं पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है? IAS 38। जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को टेक ओवर करती है तो उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस कॉम्बिनेशन की ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और इस ट्रांजैक्शन में हर एसेट फेयर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करता है कौन, जो किसी एंटिटी को एक्वायर करता है, अगर याद हो तो। अब फिर उसमें मसला आता है कि इनटेंजिबल एसेट जो एक्वायर किया गया है इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो गुडविल से अलग करके एसेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो वो गुडविल से अलग करके एसेट कब माना जाएगा, जब उसकी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो कि रिलायबली एस्टीमेट हो सकती हो या विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट। तो रिलायबली एस्टीमेट हो सकती हो या विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट। तो रिलायबली एस्टीमेट हो सकती हो विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट। रिलायबली एस्टीमेट हो सकती हो विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट वाला पॉइंट तो अप्लाई होता है इनटेंजिबल एसेट की रीवैल्यूएशन पर। वो इनटेंजिबल एसेट रिवैल्यू हो पाएगा जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू मिलेगी विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट। बिजनेस कॉम्बिनेशन की ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए इनटेंजिबल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होना काफी है, रिलायबल एस्टिमेट होना काफी है, भले वो रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट ना हो। तो उम्मीद है सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम जरा रिकॉल करेंगे अपने कौन से कॉन्सेप्ट IAS 38 वाले, कौन से बिजनेस कॉम्बिनेशन के, और फिर हम इसको डाइवर्ट करेंगे कंसोलिडेशन की शक्ल। हम दो एंटिटी अज्यूम करते हैं, एक का नाम हम लिखते हैं मोबिलिंक। तो M फॉर मोबिलिंक, W फॉर वारिथ। ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, क्या आप ये मानते हैं? ये कानूनी तौर पर दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दो एंटिटीज हैं, दो अलग अलग पर्सन हैं। मोबिलिंग एक अलग पर्सन है, वारिस एक अलग पर्सन है, यस और नो? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है? हाँ, कर सकती है। तो अभी फिलहाल इन दोनों को साथ दिख इन दोनों की जो SOFP है वो साथ दिखाई जा रही है, बतौर क्वेश्चन। क्वेश्चन में डेटा आपको इकट्ठा करके दिखाया जा रहा है। हालांकि ये दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी क्या हैं, अलग अलग हैं। इन दोनों के एसेट्स की बात करें, मान लीजिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वन थाउजेंड। मान लीजिए यहां पर 400। इनटेंजिबल एसेट्स, टू हंड्रेड। मान लीजिए यहां पर 80। फिर उसके बाद ये इनका सम हो जाएगा कितना बेटा, 1200। इसका सम हो जाएगा 480। फिर उसके बाद मैं सारे करंट एसेट्स मिला के लिख रहा हूं फिलहाल। करंट एसेट मतलब करंट एसेट्स, उसमें इन्वेंट्री, अकाउंट सीएबल, कैश, बैंक सब आ गया, या सॉरी। अच्छा, वो कितना लिखा मैंने, 800। और यहां लिखा हमने 120।
कितना हो गया बेटा, कितना हो गया 2000, ये कितना हो गया 600, सही। उसके बाद अगला सेक्शन है किस नाम से, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, आठ सौ, दो सौ, शेयर प्रीमियम, दो सौ पचास, रिटेन्ड अर्निंग्स, सौ पचास, इक्विटी का सम 1100। इधर इक्विटी का सम 300। अब मैं करंट नॉन करंट की बहस नहीं कर रहा, सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, ओवरऑल लाइबिलिटीज, ताकि ज्यादा सीरियस में इन्वॉल्व ना हो। यहाँ लाइबिलिटीज कितनी 900 की, यहाँ लाइबिलिटी कितनी 300, ये दोनों की एसओएफपी क्या हो गई, बैलेंस। फिर रिपीट कर दूं, मोबिलिंग एक अलग कंपनी, वारिद एक अलग कंपनी, ठीक। अदर इंफॉर्मेशन आप इसके नीचे लिख लीजिए, मेरे मैं फ्रंट पे इधर दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप ठीक है जी, अदर इंफॉर्मेशन। मोबिलिंक यानी एम एक्वायर्ड हंड्रेड परसेंट कंट्रोल ऑफ W by paying cash rupees 400, यानी और ये ऊपर जो भी इसको मिलियन माने कुछ भी माने, रुपीज 400 to W and W is liquidated, क्या मतलब, क्या मतलब भाई, अब आगे क्या मतलब, M ने
डब्ल्यू को खरीद लिया। अब डब्ल्यू के एसेट किसके एसेट है? एम के। तो अब जब डब्ल्यू के एसेट एम ने टेक ओवर कर लिए तो वो सारे एसेट्स एम के पास आ गए, मोबिलिंग के पास। अब वारिद नामी कोई कंपनी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी वारिद मोबिलिंग का ही क्या बन चुकी है, पार्ट बन चुकी है। अब ये दो सेपरेट एंटिटीज हैं, ये एक ही एंटिटी एक्वायर करने के बाद ये दो अलग अलग एंटिटी हैं, दो सेपरेट एंटिटी, एक ही एंटिटी। तवज्जो दरकार होगी बहुत। बी बी केस, पेइंग कैश रुपीज 400 टू डब्ल्यूज शेयर होल्डर्स। एंड डब्ल्यू इज नॉट लिक्विडेटेड। बी पॉइंट क्या है? ए और बी का अगर फर्क कर लिया तो आपको लॉ भी आता है, आपको अकाउंटिंग भी आती है। ए पॉइंट में आप वारिद को पेमेंट कर रहे हैं कितने की? 400 की, और बोलते हैं भाई अपने सारे एसेट्स हमें दे दो। तो आपने वारिद के एसेट्स यानी वारिद कंपनी को खरीद लिया, वारिद पर्सन से, आवाज नहीं, वारिद पर्सन को क्या मिला? कैश मिला। वो कैश वारिद ने किनको वापस कर दिया? जिनकी पहले वो कंपनी थी, यानी कि शेयर होल्डर्स को। वारिद नाम की कोई कंपनी दुनिया में बची नहीं। तो पहले केस में मोबिलिंग यानी एम पेमेंट कर रहा है किसको? वारिद को या वारिद के शेयर होल्डर्स? अच्छा गुड। सेकंड केस में एम पेमेंट कर रहा है वारिद को या वारिद के शेयर होल्डर्स? जब आप शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं तो आपको कंपनी मिली या कंपनी के शेयर्स मिले? तो शेयर्स मिलकर अब आप कंपनी के क्या बन गए? मालिक बन गए। यानी सेकंड केस में आप कंपनी के मालिक हैं, कंपनी अपनी जगह बतौर पर्सन मौजूद है कि नहीं है? तो क्या केस टू में कंपनी लिक्विडेट हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो क्या केस टू में मोबिलिंग के टेक ओवर करने के बाद भी दुनिया के अंदर वारिद नामी अलग से कंपनी मौजूद है? क्या स्टिल मोबिलिंग को अलग कंपनी और वारिद को अलग कंपनी माना जाएगा? स्टिल वारिद की अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस होंगे, मोबिलिंग के अपने प्रॉफिट और लॉस होंगे। तो इसका मतलब टेक ओवर करने के दो तरीके हो गए। एक तरीका वो है जो वारिद नामी कंपनी को दुनिया से मिटा देगा, खत्म कर देगा, और एक तरीका वो है जिसमें आप वारिद नामी कंपनी दुनिया में एग्जिस्ट करेगी। कंट्रोल किसका होगा? आपका होगा। क्या कहते हैं? तो इन दो ट्रांजेक्शन के फर्क को समझना है। ए वाला पार्ट हमने IS 38 में कवर किया, नहीं यहाँ देख ले, सोच ले। अब इसमें लिखता हूं, मैं अदर इंफॉर्मेशन नंबर टू। अज्यूम ऑल वैल्यूज इन द बुक्स ऑफ डब्ल्यू represent fair market value। आवाज नहीं आ रही सर, क्या यार बोले? ये मैं इतनी मामूली सी बातें कर रहा हूं, इतनी बेसिक बातें कर रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लेवल की बातें कर रहा हूं। आम तौर पर एक बिजनेस जिसकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसकी बुक्स में आने वाली वैल्यूज क्या होंगी? WDVs। Yes or no? जब ये 400 का प्लांट ये इसको बेचेगा तो हो सकता है 400 का नहीं 500 का बेचा, स्पेस ने क्या कमाया हो? गेन कमाया हो सकता है, नहीं हो सकता? अभी मैं बोल रहा हूं अज्यूम ये सारे के सारे क्या है, तो मतलब हम इन्हीं वैल्यूज को क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बुक्स में ऑलरेडी सबको किस पे लिख चुका है? फेयर। तो ये वैल्यू जैसी है वैसी इसकी बुक में क्या होता है कि ऐड जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करें ये है 400 का और हमने जो पेमेंट की है उसमें हमने इसको खरीदा है कितने का?
500 का, तो फिर हमारी कॉस्ट 400 है या 500 है? तो बिजनेस कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर एम डब्ल्यू को एक्वायर कर रहा है तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को सेलर की बुक वैल्यू पे दिखाएगा या फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन फिल वक्त हम मान लें जो बुक वैल्यू है वही फेयर, तो अभी इसमें कोई फर्क क्रिएट नहीं होगा, बात कर देगी आसान है। तो अज्यूम ऑल वैल्यूज इन द बुक्स ऑफ डब्ल्यू रिप्रेजेंट, ठीक है। अब क्या है रिक्वायर्ड, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन बोथ केसेस, दैट इज व्हाट ए एंड बी इन द in the books of W and M, in the books of M and W. आवाज नहीं आ रही। नंबर टू, SOFP after acquisition, SOFP after एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी के टेक ओवर करने के बाद की क्या दिखाओ SOFP। जी बेटा, तो बनेगी एंट्री। तो पहले हम सिर्फ ये वाला केस सॉल्व करेंगे। कैसे, कौन सा वाला? जिसमें एक ने पेमेंट करके दूसरे को एक्वायर कर लिया। आवाज नहीं आ रही बेटा, जवाब दे। तो आइए जरा अगले पेज पे चलो। ये वैल्यूज आप मुझे बताते रहेंगे ना, आपके सामने लिखी होंगी मेरे ख्याल से। आप सब बोलते रहेंगे, वैल्यूज आपने नोट कर लिए होंगे, सब क्वेश्चन पूरा नोट कर लिया, कंडीशन सारी बात। मैं कौन, मैं अभी ये दोनों रिक्वायरमेंट, मैं अभी ये दोनों रिक्वायरमेंट सिर्फ ए के लिए सॉल्व कर रहा हूं। ए का मतलब जहां पर वारिद नामी कंपनी अब एक्वायर करने के बाद क्या हो चुकी है, मौजूद है या लिक्विड हो चुकी है। तो कैसे खत्म होगी, तरफ देखे ना, ये दोनों अलग अलग कंपनी, एक्वायर करने से पहले दो अलग कंपनी थे। बोले आवाज ही नहीं आ रही बेटा। तो यहां लिखे आप इन द बुक्स ऑफ एम, एम मतलब मोबिलिंग। यहां लिखे आप क्या, इन द बुक्स ऑफ डब्ल्यू आवाज नहीं आ रही बेटा। अच्छा, नंबर वन रिक्वायरमेंट क्या प्रिपेयर करनी, तो मोबिल लिंक ने क्या खरीदा? सर मोबिल लिंक ने वारिद का 400 वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 400 में ही खरीदा, मतलब 400 ही क्या है फेयर मार्केट वैल्यू। तो मोबिल लिंक के पास अब वो मोबिल लिंक का एसेट बन गया। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। तो क्या एंट्री बनाई है, प्लीज बनाइए बेटा, ये बेस है। अगर ये नहीं समझी आपने, इसको मजाक लिया, हल्का समझा, आप निकल जाएंगे पर आगे, कंसल्टेशन आपके हाथ से गई इधर से। तो क्या एंट्री बनी, पीपीई डेबिट कितने, 400। अभी कैशियर बैंक नहीं, बट खैर तो जाऊंगा मैं। ये एंट्री मैं नहीं करवा रहा, ये मैं ऑलरेडी आईएएस सर्टिफिकेट में करवा चुका, फर्स्ट टाइम नहीं हो रही एंट्री। उसके बाद ये 80 को भी क्या मान लूं, फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वारिद के पास एक इंटेंजिबल है, लाइसेंस है, पैटेंट है, कॉपीराइट है, कुछ भी है, वो उसकी बुक्स में किस पे मौजूद है, फेयर। तो मैं उसको गुडविल से अलग करके एसेट मानूंगा अपने लिए, अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, मौजूद होगी।
क्या करूं भाई, इनटेंजिबल एसेट क्या कर दूं, डेबिट कर दूं। कितने से बेटा? 80 से। आवाज नहीं आ रही है बेटा। ओके, उसके बाद आगे बोलिए, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स डेबिट किसके? मोबिल, मोबिल लिंक अपने पास किसके एसेट डेबिट किए जा रहा है? वारित। कितने से सर? 120। मोबिल इन टेक ओवर कर रहा है नेट एसेट्स को, किसको? यानी कब वो कंपनी अब नहीं रही, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज किसके हिस्से में? समझेगा जरा बात। अच्छा जी, ओके। अब एक तरफ एसेट आ गए, एक तरफ लायबिलिटी आ गई, मतलब नेट एसेट मतलब इक्विटी एक्वायर करनी, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे लायबिलिटीज कट, कितने से? अब एक बात समझिएगा, बजाहिर आपको लग रहा है कि आपने 600 के एसेट एक्वायर किए, लेकिन अगर आप किसी की लायबिलिटी भी अपने जिम्मे लेंगे तो फिर आप उस एसेट में से उस लायबिलिटी के पैसे नहीं देंगे ना, क्योंकि आप कल वो उसकी लायबिलिटी थी, आज वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, तो किसी और की ऑब्लिगेशन आप दे रहे हैं। जवाब नहीं दिया आपने। तो असल में हकीकत में आप यहाँ पर 600 के एसेट्स नहीं बल्कि 300 के नेट एसेट एक्वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और ये हमेशा नेट एसेट इस वैल्यू के इक्विटी के, क्योंकि ये माइनस ये इज इक्वल टू ये। यस और नो बोले? अब आप बताइए, इन नेट एसेट्स के लिए मोबाइल लिंक की जेब से क्या जा रहा है? 400 रुपए। यस और नो? तो अगर आप 300 के नेट एसेट्स के 400 रुपए दे रहे हैं, तो आप 100 रुपए ऊपर किस बात के दे रहे हैं? ये कहलाएगी गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। और ये एसेट है कि नहीं है? क्या ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है या ये एक्वायर्ड गुडविल है? तो IAS 38 के हिसाब से क्या माना जाएगा इसको? इनटेंजिबल एसेट। याद है, भूल चुके हैं सब कुछ? चलिए मान लेते हैं आपकी बात। कैशिया बैंक क्रेडिट कितने से बेटा? 400 से। तो पर एक छोटी सी स्पेस में आप लिख दीजिए गुडविल कितने से, कितने से? 100 से। आवाज नहीं आई आप? आ गई आवाज? आ गई। ओके, उसके बाद अब सोचें जरा, ये वारिद क्या एंट्री बना रहा है अपने पास? अगर इसके पास वारिद के एसेट्स आ रहे हैं तो उसके पास से जा रहे हैं, लायबिलिटी वहां से यहां ट्रांसफर हो रही, बोले जवाब दे। तो ये वारिद क्या एंट्री बना रहा है? वारिद बोल रहा है बैंक डेबिट, मुझे मोबिलिंग के दिए हुए कितने पैसे मिले? 400। उसके बदले मैंने क्या दिया? लायबिलिटी दी। यानी इसका मतलब ये हो कि उन्होंने लायबिलिटीज, मेरी लायबिलिटीज लेकर मुझे 300 रुपए और दे दी। आवाज नहीं आई? क्या कहते हैं? उन्होंने हमारी लायबिलिटीज अपने ऊपर जिम्मे लेकर हमें 300 रुपए और दे दी, क्योंकि हमारी लायबिलिटी हमारी जेब से पे किए बगैर क्या होगा? सेटल होगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास से क्या गया? पीपी गया। कितने से? 400 से। इनटेंजिबल एसेट गया कितने से? 80 से। हमारे पास से करंट एसेट्स गए कितने से? तो हमें इस ट्रांजैक्शन पे क्या हुआ? गेन हुआ, लॉस हुआ? वो जो गेन हम कमा रहे हैं वो आज हमारी माजी में क्रिएट की हुई क्या थी? गुडविल थी, जो कि हमारे लिए इंटरनली जनरेटेड थी, लेकिन उसके लिए क्या है? एक्वायर्ड। तो हमारी बुक्स में रिकग्नाइज नहीं थी, लिहाजा हम कोई गुडविल क्रेडिट नहीं कर रहे, हम उस गुडविल को क्या मान रहे हैं? आज गेन। तो वो गेन बन जाएगा हमारे कितने से? जवाब दो। जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। ये दो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के बाद दोनों के बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो? आप मुझे बताएं डब्ल्यू की अब पोजीशन क्या? अगर आपने बता दिया ना बगैर मतलब यानी कि इतने में, तो बहुत बड़ी बात है। ये एंट्री बनने के बाद डब्ल्यू की जो एसओएफपी है उसमें क्या बचा?
अगर आप ये सोच पाते हैं ना तो आप कमाल कर जाएंगे, नहीं सोच पाते तो फिर आपकी मर्जी है। क्या डब्ल्यू के सारे एसेट खत्म, क्या डब्ल्यू उसकी सारी लाइबिलिटी खत्म? लेकिन डब्ल्यू को एक एसेट मिला ना, सारे एसेट खत्म हो गए, उसके पास 400 का कैश बचा, तो एसेट साइड का बैलेंस 400। इक्विटी साइड का बैलेंस पहले कितना है? 300। 100 का गेन उसमें क्या हुआ? ऐड हुआ, तो इक्विटी के साइड का बैलेंस क्या हो गया? 400। नहीं, तो इसका मतलब अब डब्ल्यू के पास 400 का ही एसेट है और 400 की इक्विटी। ये किससे बिलोंग करती है? जो डब्ल्यू के मालिकान, उनको उनके पैसे वापस देकर वो ये इस दुनिया से रुखसत। यस और नो? तो वो आखिरी एंट्री क्या बनेगी इसको लिक्विडेट करने कि हमने पैसे दे दिए किनको? अपने शेयर होल्डर को। कितने? 400, जिसके जरिए हमने ये गेन का इफेक्ट कहाँ गया है बेटा? रिटेन्ड अर्निंग्स पर। तो जिसके जरिए हमने उनका पे किया हुआ कैपिटल क्या कर दिया? वापस कर दिया। आप जवाब ही दे रहे मुझे, शेयर कैपिटल डेबिट सर कितने से? 150 से। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम डेबिट कितने से सर? 50 से। और सर रिटेन्ड अर्निंग, पहले का बैलेंस कितना था? 50 था, 50 में 100 से क्या हुआ? इजाफा हुआ, वो क्या बन गया? 150। आज रिटेनिंग डेबिट कितने से? 150। पचास और 150। ठीक है जी, आप बताए ना बेटा। अब ये एंट्री बनने के बाद एसेट साइड भी जीरो और इक्विटी साइड भी जीरो, तब वारिद नामी कोई कंपनी मौजूद ही नहीं। क्या अब मोबिलिंग वाली नामी कंपनी मौजूद है? और अब वो कंपनी और बड़ी कंपनी हो गई है, क्योंकि उसमें ना सिर्फ मोबिलिंग के एसेट है, वारिद से टेक ओवर किए भी एसेट। अब हमें उस कंपनी की पिक्चर दिखानी आफ्टर टेकिंग ओवर व्हाट? वारिद। यस और नो? तो हम बनाएंगे, यहाँ तो SOFP का बैलेंस 0-0 हो गया, तो SOFP कहाँ बनी है सर? नहीं, यहाँ पर सर, यहाँ बने ना SOFP? नहीं, यहाँ बोलो भाई, यहीं बने ना SOFP? कंफर्म। चलो, क्या बनी सर SOFP? एसेट्स क्या आया बेटा? PPE। सर मोबिलिंग के पास पहले से अपना कितना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस मौजूद था? 1000 था। आवाज नहीं आ रही, 1000 था। उसने 400 से मजीद एक्वायर कर लिया PPE। अब बैलेंस कितना हो गया? 1400। सर मोबिलिंग के पास अपना पहले से कितना इंटेंजिबल एसेट मौजूद था? 200। उसमें आके कौन ऐड हो गया? वारिद का लाइसेंस, 3G 4G लाइसेंस, जो मोबिलिंग के पास नहीं था पहले। चलें ठीक है जी, इतना हो गया 280। फिर एक नई चीज भी आ गई सर, गुडविल। अब हमारी बुक गुडविल शो कर रही है सर, लेकिन ये हमारी इंटरनली जनरेट गुडविल नहीं है, बल्कि एक्वायर्ड गुडविल है। कितने थे सर? 100 से। तो ये हो गया हमारे नॉन करंट एसेट्स का बैलेंस क्विक, 1780। उसके अंदर हम ऐड कर दें करंट एसेट्स। हमारे अपने पहले से करंट एसेट्स कितने थे सर? सर हमारे अपने करंट एसेट पहले से कितने थे? 800 से। सर उसमें 120 के करंट एसेट किसके आ गए? वारिद के। ये कुल मिलके कितने हो गए? 920 टोटल बैलेंस। यस करेक्ट, सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने 400 की क्या की है? पेमेंट भी की। 800 के हमारे पास एसेट थे, 400 से हमने क्या की? पेमेंट की। सही कह रहे हैं।
ये पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितना रहेगा 400, और वहां से कितने आए 120, 500 बैलेंस। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद ये पेमेंट नहीं हुई 400 की आपके पास, ये पेमेंट नहीं हुई 400 की, 800 में से हुई ना 400 की पेमेंट, यस और नो। उसके बाद इक्विटी, इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी इक्विटी मुतासिर हुई है मोबिलिंग की, या उसमें इजाफा हो रहा? आवाज नहीं आ रही बेटे, बोले क्या है इक्विटी? शेयर कैपिटल। मोबिलिंग का शेयर कैपिटल एजेंट जैसा है वैसे वैसे का वैसा आ जाएगा, 800, 200 और 100। मतलब इस बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद शेयर प्रीमियम, फिर उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स। टोटल कितना हो गया 1100। उसके बाद देखेंगे आप लायबिलिटीज, मोबिलिंग की अपनी लायबिलिटीज पहले से कितनी थी, और उसमें 300 की लायबिलिटीज और आ गई, मिलकर कितनी हो गई 1200। 1100 और 1200 23। ठीक है जी। ये इसका मतलब क्या है? ये पिक्चर है मोबिलिंग की आफ्टर एक्विजिशन ऑफ वारिस। क्या ख्याल? ये अब तक हमने कंसोलिडेशन शुरू थोड़ी की, ये कंसोलिडेशन की बेसिक शुरू किया, और इस पे हमारी कंसोलिडेशन डिपेंड करेगी। ये हमने जो क्वेश्चन भी बनाया है उसका हमने ए पार्ट के लिए दोनों रिक्वायरमेंट सॉल्व। ठीक है जी। अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट क्या है सर जी? बी पार्ट क्या है? बी पार्ट क्या है? सोचे, जरा सोचिएगा। बी पार्ट ये कहता है सर हमने 400 रुपए कैश दिया तो हमारे करंट एसेट में 400 रुपए की कमी आई। ये 400 रुपए सब माशाल्लाह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ के बैठे हुए थे, तो अगर ये 400 रुपए देकर आपके पास क्या आए हैं? शेयर्स। किसके? वारिस के। तो आप ये 400 रुपए देकर क्या बने? वारिस के शेयर होल्डर। तो अब आप डेबिट क्या करेंगे? देखो कितनी देर लग रही है बोलने। क्या डेबिट करेंगे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बात समझ आई है या नहीं है? बोल दें, जवाब दे दें। इसका मतलब नो टेक ओवर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ क्या हो रही है? इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, मोबिलिंग ने एंट्री बनाई, क्या बोलिए? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैशियर बैंक क्रेडिट, IFRS 9 के हिसाब से ये एंट्री फेयर वैल्यू पे बनाई जाएगी, यस और नो? लेकिन कंसोलिडेशन के हिसाब से ये एंट्री कॉस्ट पे बनाई जाएगी। तो अगर कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू में क्या हो? डिफरेंस हो, तो हमें कंसोलिडेशन में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं? तो हमें कंसोलिडेशन में उसको इतनी अभी कॉम्पिटिशन क्रिएट नहीं करते। मान लें 400 ही फेयर मार्केट वैल्यू और 400 ही कॉस्ट। बाज दफा किसी चीज को आपको बोली लगाकर उसकी मौजूदा मार्केट से भी ऊपर वैल्यू पे खरीदना पड़ सकता है,
ऐसा मुमकिन है कि नहीं, ताकि वो राजी हो जाए आपको चीज बेचने के लिए। खैर, तो अब सवाल क्या है, मैं फिर रिपीट करूंगा, बताइए मोबिल लिंक की बुक्स में क्या एंट्री पास हो। तो यहां पर मैं आपके सामने एक पिक्चर रख रहा हूं, आपने कहा इन द बुक्स ऑफ एम, और यहां लिखा आपने इन द बुक्स ऑफ डब्ल्यू, इन द बुक्स ऑफ मोबिल, इन द बुक्स ऑफ वारिद। आवाज में, हाँ जी, यह है कमाल, बताइए। यहां पर मोबिलिंग वारिद को इस तरह टेक ओवर कर रहा है कि वो डायरेक्ट कहता है वारिद के शेयर होल्डर्स, तुम लोग क्या करो, अपने शेयर हमें बेच दो। तो अब वारिद के शेयर होल्डर वारिद के शेयर होल्डर नहीं रहे, बल्कि वारिद के शेयर होल्डर मोबिलिंग बन गए। लेकिन वारिद बतौर एंटिटी आज भी मौजूद है, काम कर रही है, वो लीगली एग्जिस्ट करती है। कानूनी तौर पर मोबिलिंग अलग पर्सन है, वारिद वारिद लिक्विडेट नहीं हुआ। बोलिए क्या एंट्री बनाई, इन्वेस्टमेंट डेबिट। कितने से, 400। बैंक क्रेडिट, 400। हाँ जी, अगला सवाल, इसका जवाब दिया ना तो कमाल हो गया। ये जो शेयर्स मोबिलिंग खरीद रहा है वारिद के, वारिद इसकी अपनी बुक्स में क्या एंट्री बना रहा है। ये जो मोबिलिंग एंट्री बना रहा है वारिद के शेयर्स की अपनी बुक्स का, उसकी वारिद अपनी बुक्स में क्या एंट्री बना रहा है। कोई एंट्री नहीं बना रहा, सोच लीजिए, बना रहा है एंट्री, बना रहा है ना, नहीं बना रहा, कोई एंट्री नहीं बना रहा। वजह, वो ऑलरेडी इशूड शेयर, अगर स्टॉक एक्सचेंज से आप कोई शेयर खरीदेंगे तो वो तो कंपनी का इशू किया हुआ शेयर है, उसका शेयर कैपिटल तो ऑलरेडी कंपनी के बुक्स में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ हुआ है। अब शेयर होल्डर की मिल्कियत क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कंपनी को एंट्री बनाने की जरूरत है। कंपनी ने तो फर्स्ट टाइम एंट्री कब बनाई होगी, जब उसने शेयर इशू किए थे। अब अगर उसके मालिकान क्या हो रहे हैं, तो मालिकान की तब्दीली की अकाउंटिंग में तो कोई एंट्री नहीं बन रही ना। इसका मतलब सर, सबसे बड़ी बात सर, ठीक है यार, वो तो अपने रजिस्टर की अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, तुम रजिस्टर पे जा रहे हो, तुम जज्बाती क्यों जाते हो, ठीक है जी। हाँ चलो यार, बस ठीक है, अच्छी बात है, आपने पढ़ाया माशाल्लाह। तो क्या अब बताइए, वारिद नामी एंटिटी मौजूद है दुनिया में या नहीं, उसकी अपनी SOFP मौजूद है या नहीं। तो इसका तो अगर वारिद की बुक्स पे कोई एंट्री नहीं बनी तो उसकी SOFP पे, लेकिन मोबिलिंग की SOFP थोड़ा सा इफेक्ट है, उसके करंट एसेट 400 से, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें इन्वेस्टमेंट, यस और नो, क्या कहते हैं आप सब, ठीक है। अब देखिएगा भाई, यहां लिख रहा हूं मैं SOFP, मोबिलिंग वारिद दोनों को बराबर में लिख रहा हूं कंपैरिजन के लिए, वरना दोनों की अपनी अपनी क्या है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है बेटा। पीपी मोबिलिंग का कितना, 1000, वारिद का कितना, इंटेंजिबल एसेट्स मोबिलिंग के कितने, 800। बस बेटा तुम ये काम करते हो, 200 और कितना, 80। गुडविल अभी है नहीं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट इन डब्ल्यू किसने की हुई, इतने में, ठीक है, टोटल सोलह सौ और 400, फिर करंट एसेट्स 800 थे लेकिन इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कितने रह गए 400, और यहां पर कितने 120। तुम्हारे आश्रय में रहूंगा तो मैं भी गलत कर दूंगा बेटा, दो हजार। यानी अभी भी मोबाइलिंग की ऐसा भी कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना बेटा, टोटल तो कोई 2000 है। 400 के करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, ये 600 ही। उसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 800 200, शेयर प्रीमियम 250, रिटेन्ड अर्निंग्स 100 और 50, कितना 1100। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज, नौ सौ, दो हजार और 600, ठीक है बेटा। तो आज हमें मोबिलिंग अपनी बुक्स के अंदर अलग एंटिटी के तौर पे दिखाई दे रही है, उसके अपने एसेट्स, उसकी अपनी लाइबिलिटीज, स्टिल आज वाहिद वैसे की वैसे अलग कंपनी दिख रही है। बस हुआ ये कि वाहिद का शेयर होल्डर कौन बन गया, तो अब इसके पास क्या है, जैसा कंट्रोल है, तो लीगली दे आर सेपरेट, बाप और बेटा दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दो अलग पर्सन। अगर बाप के जिम्मे कोई लाइबिलिटी हो, वैसे ऐसे मतलब या कोई जुर्म करे, वो सजा बेटे को मिली कि बाप को मिली, बेटे ने कोई जुर्म किया हो सजा बेटे को मिलेगी बाप को मिलेगी, क्यों, लीगली दे आर वो सेपरेट। लेकिन एक और पिक्चर है, वो क्या है, इकोनॉमिकली दे आर सेम, तो कमाते ना आता है कि घर में, तो लीगली दे आर सेपरेट। ये दोनों अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते रहेंगे, स्टिल के मोबिलिंग इसका मालिक है, लेकिन इसको कानून तौर पर अलग एंटिटी, यानी इसकी अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री, इसकी अपनी, इसका अपना ट्रायल बैलेंस, इसका अपना, इसका अपना प्रॉफिट, इसका अपना प्रॉफिट, इसका अपना लॉस, इसका अपना लॉस, इसकी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए बाउंड नहीं हो सकता, ये लाइबिलिटीज जितने बिजनेस के एसेट हो सकते उस हद तक ही क्या होंगी पे ऑफ होंगी। लेकिन एक इकोनॉमिक पिक्चर भी तो है ना, इफ लीगली दे आर सेम बट इकोनॉमिकली दे आर, लीगली दे आर सेपरेट बट इकोनॉमिकली दे आर व्हाट सेम, तो वो इकोनॉमिक पिक्चर वही बननी चाहिए जो थोड़ी देर पहले बनी थी, कौन सी बनी, कि अगर अगर आज वारिद के सेपरेट एंटिटी होने के बावजूद मोबिलिंग वारिद को 100% टेक ओवर कर चुका है, तो अगर मैं इनको दो एंटिटीज के तौर पे नहीं बल्कि सिंगल एंटिटी के तौर पे देखना चाहता हूं, तो आज मेरी बुक्स जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी वो रिजल्ट कंसोलिडेशन कहलाए, और वो रिजल्ट बिल्कुल वही है
कि वारिद अगर मौजूद ना होता तो वारिद के एसेट्स कहाँ दिखते? मोबाइल लिंक में. लाइबिलिटीज कहाँ दिखती? मोबाइल लिंक्स में. और वो पिक्चर बिल्कुल ये वाली पिक्चर होती जो आपने बनाई. तो अब सवाल क्या है, आज ऐसा क्या करें? आज ऐसा क्या करें इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? आज ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट पास कर दे जिससे वारिद की बुक्स मोबाइलिंग से क्या हो जाए? कंसोलिडेट हो जाए. तो कंसोलिडेशन द इकोनॉमिक पिक्चर, नॉट लीगल पिक्चर. कंसोलिडेशन क्या है कि हम एक इकोनॉमिक पिक्चर दिखा रहे हैं कि अगर ये दोनों बच्चों के वसाइल तो एक ही है ना, तो एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज भी कर रहे हैं. वारिद का टावर जो मोबाइलिंग इस्तेमाल कर रहा है, बट दे आर व्हाट? सेपरेट एंटिटीज. कमाल बात हो गई यार. ठीक है, फ्रेंचाइज दोनों की क्या हो चुकी है? एक हो चुकी है, लेकिन कानून के अंदर. अच्छा, ये मैं प्रैक्टिकल कैसे पता आपको? मोबाइलिंग ने वारिद को टेक ओवर कर लिया है, वारिद अभी भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए एक टाइम फ्रेम सेट हुआ था कि उसके बाद वारिद लिक्विडेट हो जाएगा. मतलब अभी तो सब्सिडरी के तौर पर चल रहा है, सब्सिडी चल रहा है. मतलब मोबाइलिंग वारिद की अगर सब्सिडरी बन गई है तो अभी वो चल रही है सेपरेट एंटिटी के तौर पर. लेकिन आज भी उसकी एक सिंगल पिक्चर दिखाई जा सकती है, तो उस पिक्चर का नाम क्या है? कंसोलिडेशन. आज ऐसा क्या करें? अब आपको चाहिए कि ये जो हमारी बनी है SSPs, ये वाली, और वो जो बनी थी कौन सी वाली, आफ्टर एक्विजिशन लिक्विडेट होने के बाद, इन दोनों का जरा हम फर्क कंपेयर करें. देखिएगा, पीपी 1400 1400, देखिएगा प्लीज, 1400 1400 प्लस प्लस प्लस, आवाज ही नहीं आ रही है बेटा, तवज्जो दरकार होगी बेटा, तवज्जो. प्लस इनटेंजिबल एसेट 200, इनटेंजिबल एसेट 200 प्लस 80, 280 प्लस प्लस, दोनों को ऐड कर दो, आवाज नहीं आ रही बेटा. इन्वेस्टमेंट नो इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट हमने वो कैश देकर क्या किया? डेबिट किया. तो अगर ये कैश हमने वारिद के शेयर होल्डर को ना दिया होता, बल्कि वारिद को दिया होता, तो वारिद ने इसके बदले हमें अपने एसेट दे दिए होते. तो फिर इस इन्वेस्टमेंट के बदले, यानी ये इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में ना होती, मैं बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, अंदाजा नहीं आपको, ये इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में ना होती, इसके बदले क्या होते? ये 480 हमारी बुक्स में होते, क्योंकि ये पैसे वारिद को मिल गए होते और वारिद ने आगे पे कर दिए होते अपने शेयर होल्डर्स को, वारिद लिक्विड हो चुके होते. तो मतलब अभी अब देखते हैं जरा कि यहाँ कहीं भी हमें इन्वेस्टमेंट दिख रही है. तो यहाँ जो हमने कैश दिया उसके बदले हमें 400 मिला, 80 मिला, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, बोलो ना. और उस पर क्या क्रिएट हुई? गुडविल. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम आज की डेट पर क्या करना चाहते हैं, इसको कंसोलिडेट, तो हमें खत्म करना है किसको? इस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब अगर ये इन्वेस्टमेंट के पैसे किसको मिले होते? वारिद को मिल गए, वारिद को मान ले, मिल गए वारिद को, तो उसके बदले क्या आ गया? वारिद के नेट एसेट हमारे पास आ गए, जो हमने प्लस कर दिया ऐसे. फिर ये पैसे किसके पास गए? वारिद के पास. वारिद ने पैसे किसको दिए? तो वहां की इक्विटी क्या हो गई? पे ऑफ हो गई, खत्म हो गई. इसका मतलब क्या है? अगर आप एक एडजस्टमेंट पास करें, क्या वो एडजस्टमेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट खत्म कर दें पेरेंट की बुक्स से और इक्विटी खत्म कर दें किसके बुक से? कि ये 400 रुपए अगर किसको मिल जाते? वारिद को. और वारिद हमें इसके बदले क्या देता? अपने नेट एसेट्स. तो फिर वारिद के पास दो चीजें बचती, कैश और इक्विटी, और वो इक्विटी किसको पे ऑफ होती? तो फिर वो इक्विटी खत्म हो जाती. तो अगर आज की डेट पे हम क्या पास करें? एक एडजस्टमेंट. क्या पास करें? जिसको मैं बोलूंगा कंसोली डेटेड एडजस्टमेंट. क्या बोलूंगा? तवज्जो होगी आप सब. हमने बोला हमारे जो 400 हैं, अगर वो 400 शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट हमसे ना मिलते बल्कि वारिद के थ्रू मिलते, तो हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट ना हो. आपने बोला इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, आवाज नहीं आ रही.
इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? 400 से। तो वारिस ये 400 रुपए लेके क्या करता? एसेट तो हमें दे देता। ये 400 रुपए किसके बराबर बचते? इक्विटी के बराबर बचते, और वो इक्विटी पे ऑफ कर देते। जवाब दे तो एंट्री क्या बनती? शेयर कैपिटल डेबिट किसका? पेरेंट का, सब्सिडरी का। कितने से? 200 से। शेयर प्रीमियम डेबिट कितने से? 50 से। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कितने से? 50 से। आवाज नहीं आ रही सर। तो सर ये जरा देखिएगा, सम कीजिएगा, 250 और 50 कितना? 300। ये 300 600 माइनस 300 के बराबर है, तो इस 300 को मैं नेट एसेट भी बोल सकता हूं। तो मतलब मैंने 400 रुपए के अंदर वारिथ की इक्विटी पे ऑफ करवा के वारिथ के नेट एसेट्स खुद खरीद लिए। आवाज नहीं आ रही बेटा, लेकिन मैंने 300 के नेट एसेट्स 400 के खरीदे, तो लिहाजा मेरे पास एक चीज क्रिएट हुई, उसका नाम क्या है? गुडविल। कितने से? 100 से। अब अगर मैं इसको क्वेश्चन मानूं, पेपर में आया हुआ, और उस पर पास कर लूं ये वाली एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट पास करने के बाद जो रिजल्ट में मर्ज कर लूंगा वो कहलाएगा। आइए जरा देखते हैं। मैं हेडिंग नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। पीपीई 1000, क्या इस एंट्री में 1000 पे कोई इफेक्ट आया? 400 पे कोई इफेक्ट आया? जिस पे इफेक्ट नहीं है उनको आपस में प्लस, 1000 प्लस 400। भाई जल्दी जल्दी बोलो बेटा, जल्दी। 1000 प्लस 400 1400। इनटेंजिबल एसेट्स 200 प्लस 80 कितना? 200। इन्वेस्टमेंट उड़ा दी गई, डेबिट बैलेंस था क्या हुआ? एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो गया, बैलेंस क्या हो गया? 0। हाँ, अगर सर यहां लिखा होता 500 क्रेडिट होता तो 100 का बैलेंस बचता ना, लेकिन अभी कोई बैलेंस नहीं बच रहा, आगे बचेगा, कभी ना कभी आएगी चीजें, लेकिन अभी तो बिल्कुल सिंपल रखा हुआ मामला। एक नई चीज क्रिएट हुई सर, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। सर गुडविल डेबिट कितने से? 100। सर ये आपका सम जरा कर लीजिएगा प्लीज। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। 1700। सर करंट एसेट्स मोबाइल इनके कितने? 400। और उसके कितने? 400 प्लस 120 सर कितने? 520 सर। बिल्कुल वही रिजल्ट बनने जा रहा है सर, और रिजल्ट सम करके 2300 बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? जवाब देना बेटा आप लोग। अब सर उसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पर शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा? मोबाइल लिंक का। क्यों सर? फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। ये स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने अज्यूम करना है वारिस क्या हो चुका है? लिक्विडेट हो चुका है। अगर हो चुका है तो फिर उसकी इक्विटी मौजूद ही नहीं, क्योंकि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए उसके एसेट टेक ओवर करके उसको लिक्विडेट करवा दी। लीगली वो लिक्विडेट नहीं हुआ, इकोनॉमिकली हम उसको, मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको लिक्विड होता हुआ दिखा रहे हैं। एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि अगर हमने इस तरह नहीं उस तरह टेक ओवर किया होता तो रिजल्ट ये होते आज। भाई जवाब नहीं दे रहे आप लोग। शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा? कंसोलिडेटेड एसआईपी में शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा? पेरेंट का आएगा, सब्सिडियरी का एक रुपया भी नहीं आया। क्यों सर? 200 लिखा हुआ है डेबिट कर दिया सर, शेयर प्रीमियम भी डेबिट हो चुका, रिटेन अर्निंग भी डेबिट हो चुकी, तो सब कुछ खत्म हो गया सर। सिर्फ क्या आया सर? 800 आया सर। सिर्फ क्या आया? 200 आया सर। सिर्फ क्या आया? 1000 आया, 100 आया, शेयर प्रीमियम। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, रिटेन अर्निंग कितना बैलेंस? 1100। और लाइबिलिटीज जरा बताओ बेटा, लाइबिलिटीज सम करवा दो। 900 प्लस 300 1200। अब आप बताओ
कंसोलिडेट करने के बाद पिछले रिजल्ट में और इसमें क्या फर्क है? ये वाली एसओएफपी जो भी आपने बनाई है दोनों की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और वो जो आपने पहले बनाई थी एक्वायर करने के बाद, इसमें और उसमें फर्क करना। मतलब कंसोलिडेशन एक पिक्चर है जो हकीकी पिक्चर नहीं है, इकोनॉमिक पिक्चर है जिसमें हम पेरेंट और सब्सिडियरी को सिंगल एंटिटी के तौर पे दिखाते हैं, और उसके लिए हम एक अजम्पशन लेते हैं कि अगर सब्सिडियरी अलग एंटिटी के तौर पे मौजूद ना होती तो वो लिक्विडेटेड होती, उसके सारे नेट एसेट्स पेरेंट की बुक्स में होते और पेरेंट ने अगर उसको नेट एसेट से अबव वैल्यू पे एक्वायर किया तो गुडविल भी दिखती किसकी बुक्स में, और वो पेरेंट के लिए क्या कहलाती? गुडविल एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। सारे मामला आपके सामने, ये बिल्कुल बेसिक स्टार्ट है आपके पास। उम्मीद आप इसको लिख लें, टाइम काफी ऊपर हो चुका है, मैं लेट हो गया, लिख लिया, मैं इसको क्लोज करूं।